नमस्कार दोस्तों, पेट की चर्बी, मोटापा और वजन कैसे घटाएं, ये एक ऐसा विषय है जिस पर लोगों से जितनी बातें करेंगे उतनी ही अलग अलग प्रकार की सलाह मिलेगी। यदि आप वजन कम करने के लिए अधिक मेहनत नहीं कर पाते हैं तो आज मैं आपको वेट लॉस करने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय बताऊंगा, जो बिना मेहनत किए आपको पेट की चर्बी कम करने में मदद करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल लाइफ चेंज देसी नुस्खे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर उपयोगी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर एक, ताज़ी अदरक और लाल मिर्च को एक साथ मिलाकर पीस लें, फिर रोज़ाना इस मिश्रण का सेवन करें। ये दोनों मसाले वजन कम करने का सबसे अचूक उपाय है। इसके अलावा सलाद के साथ हरी मिर्च का प्रयोग करने से भी मोटापा कम होता है। नंबर दो, एक चम्मच सौंफ को एक गिलास पानी में डालकर कुछ देर तक उबालें। उसके बाद इस पानी को छानकर गुनगुना ठंडा करके रोजाना सुबह भूखे पेट सेवन करें। रोजाना नियमित ये उपाय करने से पेट की चर्बी अपने आप कम होने लगती है। नंबर तीन, खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने की बजाय आधे या पौने घंटे बाद पानी पीने की आदत डालें तथा भोजन के बाद ठंडा पानी पीने की जगह गुनगुना पानी पीने की आदत को अपनाएं। चर्बी अपने आप कम होने लगेगी। नंबर चार, सेब खाना सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है, किंतु अगर सेब को कच्चा खाने की बजाय उबाल कर खाया जाए तो सेहत अच्छी होने के साथ साथ आपका वजन कम करने में भी मदद मिलेगी। नंबर पाँच, रोजाना सुबह भूखे पेट एक गिलास गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीने से मोटापा कम होता है तथा त्वचा से जुड़ी समस्याएं कम होकर सुंदरता में भी बढ़ोतरी होती है। नंबर छः, गोभी में कैलोरी की मात्रा काफ़ी कम होती है, इसलिए गोभी की सब्जी, सलाद या गोभी के सूप को अपने रोजाना की डाइट में ज़रूर शामिल करें, इससे वजन कम होने लगेगा। नंबर सात, रोजाना हरे धनिए का जूस पीना भी पेट की चर्बी कम करने में सहायक होता है। इसके अलावा रोजाना दो गिलास तरबूज का रस पीने से भी पेट के आसपास की चर्बी घटाने में मदद मिलती है। नंबर आठ, दिन में दो से तीन बार छाछ का सेवन करना भी वजन घटाने में सहायक होता है। रोजाना की डाइट में दही की एक कटोरी शामिल करना भी शरीर की फालतू चर्बी घटाने का एक अच्छा उपाय हो सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का लाइफ चेंज देसी नुस्खा। आशा है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।